दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इंसानों की तरह ही जानवर भी फीलिंग्स और इमोशंस से भरे हुए होते हैं। जिस तरह हम इंसानों को अपने साथ रहने वालों के साथ लगाव और प्यार महसूस होने लगता है, ठीक उसी तरह जानवरों को भी अपने साथ रहने वाले जानवरों के साथ लगाव महसूस होने लगता है। जानवर भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं। जिस तरह हम इंसान अपनी गोद में लिए बच्चों के साथ काफी अपनापन फील करते हैं, ठीक उसी तरह जानवर भी उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं जिन्हें वो पालते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने किसी दूसरे जानवर के बच्चों को गोद लेकर उनकी कुछ इस तरह से देखभाल की कि जैसे वो उन्हीं के बच्चे हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाघिन और सुअर के बच्चे। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि बाघ एक मांसाहारी जानवर है। बेहद हिंसक और खूंखार बाघ जब अपने शिकार पर निकलता है तो अपने शिकार को मारे बिना नहीं छोड़ता। अपनी फितरत से बेहद क्रूर इस जानवर के अंदर क्या दूसरे जानवर के बच्चों के लिए फीलिंग्स होती होंगी, ये जानने के लिए थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके तहत चिड़ियाघर के प्रशासन ने कुछ सुअर के बच्चों को एक ऐसी बाघिन के बाड़े में डाल दिया जो अपने बच्चों की मौत होने की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन जब इस दुखी बाघिन को सुअर के बच्चे मिले तो इसने उन्हें खाने की बजाय अपने बच्चे समझ लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाघिन इन बच्चों का ख्याल ठीक अपने बच्चों की तरह रखती है और ये इन बच्चों को अपना दूध भी पिलाती है। कबूतर और पिल्ला। दोस्तों, जिस तरह से हम इंसान एक दूसरे का सहारा बनते हैं, उसी तरह से जानवर भी एक दूसरे को सहारा देने की भावना रखते हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो तो आप हरमन नाम के इस कबूतर और लुडी नाम के इस पिल्ले को ही देख लीजिए। दोस्तों, इस कबूतर के पंख नहीं है जिस कारण ये उड़ नहीं सकता। कबूतर की तरह ये पिल्ला भी अपाहिज है। इसकी एक टांग टूटी हुई है, इसलिए ये ठीक से चल नहीं सकता। इन सब के बावजूद हरमन और लुडी एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लुडी और हरमन की मुलाकात 2020 में रोचेस्टर में हुई थी। तब ये दोनों एक छत के नीचे एक साथ रहा करते थे। हरमन लुंडी से बड़ा है और इसलिए वो लुडी की पूरी देखभाल करता है। इन दोनों के बीच में एक तरह से बाप बेटे का रिश्ता है। लुडी को जब सर्दी लगती है तो हरमन उसे अपने पंखों में समेट लेता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक कबूतर अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे समेटता है। हरमन और लुंडी हम इंसानों के लिए मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल है जिससे हम इंसान भी काफी कुछ सीख सकते हैं। चिंपैंजी और बाघ का बच्चा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप चिंपैंजी को बाघ के बच्चे को दूध पिलाते हुए देखेंगे। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहली बार में इस वीडियो पर यकीन ना हो, पर ये वीडियो बिल्कुल असली है। असल में ये वीडियो दक्षिण कैरोलिना के एक चिड़ियाघर का है जहां बाघ के तीन बच्चे डोडो नाम के एक मेल चिंपैंजी के पक्के दोस्त बन गए हैं। ये चिंपैंजी इन बाघ के बच्चों के साथ बड़े मजे से खेलता है, इन्हें फीडर से दूध पिलाता है और इनके साथ रहने वाले बाघ के ये बच्चे इस चिंपैंजी से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इन बच्चों के लिए ये चिंपैंजी ही इनका अभिभावक यानी कि पेरेंट है। चिंपैंजी जैसा बेपरवाह और मस्त मौला जानवर भी एक हिंसक और क्रूर जानवर के बच्चों के लिए इतना ज्यादा इमोशनल हो सकता है, ये किसने सोचा होगा। इसे देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जानवरों की दुनिया भी कितनी विविधताओं से भरी हुई है। कुत्ता और भेड़ का बच्चा। दोस्तों, आमतौर पर कुत्ते भेड़ के बच्चों को मारकर खा जाते हैं, लेकिन दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भेड़ का एक बच्चा कुत्ते के साथ रहता है। असल में हुआ कुछ यूं कि भेड़ का एक बच्चा अपने ग्रुप से बिछड़कर एक खेत में आ जाता है। खेत के मालिक ने जब भेड़ के इस बच्चे को देखा तो वो बिल्कुल उसी तरह दिखने वाले डॉलमेटियन नाम के कुत्ते के पास उसे ले गया। डॉलमेटियन को देखकर भेड़ के इस बच्चे को लगा कि वो भी उसकी तरह एक भेड़ है। फिर क्या था, ये भेड़ का बच्चा कुत्ते के साथ रहने लगा। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि भेड़ के इस बच्चे को कुत्ते के साथ रहते हुए ये लगने लगा कि वो भी एक कुत्ता ही है, और कुछ दिनों बाद भेड़ का ये बच्चा कुत्तों की आवाजें भी निकालने लगा था। सच में बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। कुत्ता और शेर। अब हम आपको एक ऐसे शेर के बच्चे के बारे में बता रहे हैं जिसको उसकी अपनी माँ ने अपनाने से इनकार कर दिया और अब ये बच्चा एक कुत्ते के परिवार के साथ रह रहा है।
जी हाँ, अगर आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। असल में दोस्तों हुआ ये कि श्रीलंका के एक चिड़ियाघर में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद एक शेरनी ने अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। ये देखकर उस चिड़ियाघर का प्रशासन इस बच्चे के पालन पोषण को लेकर चिंतित होने लगा। तभी उन्होंने एक प्रयोग करते हुए इस शावक को कुत्ते और उसके बच्चे के साथ रख दिया। वो लोग इस बात को देखकर हैरान रह गए कि इस कुत्ते ने इस शेर के बच्चे की अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करना शुरू कर दिया। अब ये बच्चा कुत्ता और उसके बच्चों में इतना ज्यादा घुल मिल गया है कि अब ये हमेशा उनके साथ ही रहता है और ये कुत्ता भी इस शेर के बच्चे को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता है। मुर्गी और दूसरे जानवर। क्या आप जानते हैं कि मुर्गी जब अंडे देती है तो कई दिनों तक अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहती है, जिसके बाद उन अंडों में से चूजे निकलते हैं। ये चूजे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं, इसलिए मुर्गी कई दिनों तक उन्हें अपने पंखों के नीचे रखती है ताकि वो बच्चे मौसम की मार से बचे रहें। मुर्गी इस तरह का व्यवहार सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं करती, बल्कि दूसरे जानवरों के बच्चों के लिए भी वो कुछ ऐसा ही करती है। तो अब हम आपको कोको नाम की एक ऐसी मुर्गी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बिल्ली के बच्चों को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालती है। वो इन छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को अपने पंखों की गर्मी देती है और ये सुनिश्चित करती है कि इन बिल्ली के बच्चों को किसी तरह का कोई जान का खतरा ना हो। बिल्ली के ये बच्चे और कोको एक ही घर में रहते हैं। कोको दूसरी मुर्गियों से भी इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करती है। जब कोई मुर्गी इन बिल्ली के बच्चों के पास आने की कोशिश करती है तो कोको उन्हें अपनी लात मारकर वहां से भगा देती है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोको इन बिल्ली के बच्चों से कितनी ज्यादा अटैच्ड होगी। कुत्ता और रैकून। दोस्तों आमतौर पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते बहुत ज्यादा आक्रामक और खतरनाक समझे जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पिटबुल कुत्ते के बारे में बताने वाले हैं जो एक नहीं बल्कि तीन तीन रैकून के बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालता है। जिस कुत्ते की बात हम कर रहे हैं उसका नाम एश्लीन है। एश्लीन के मालिक ने जब तीन रैकून के बच्चों को अनाथ देखा तो वो इन बच्चों को अपने घर ले आए। उन्होंने शुरुआत में तो एश्लीन को इन बच्चों से अलग रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन जब उन्होंने इन बच्चों को एश्लीन के साथ रखा तो वो हैरान रह गए। एश्लीन इन बच्चों से बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही व्यवहार कर रही थी। बाद में रैकून के ये बच्चे भी एश्लीन के साथ ही रहने लगे। अब एश्लीन इन बच्चों की एक माँ की तरह ही देखभाल करती है। रैकून के बच्चे अब इस एश्लीन के साथ ही घूमते हैं। एश्लीन और इन बच्चों को देखकर लगता है जैसे इनका कोई पुराना रिश्ता हो। बिल्लियाँ और बतखें। बिल्लियों को भले ही बहुत ज्यादा मतलबी और चालाक समझा जाता हो, लेकिन ये जानवर दूसरे जानवरों के लिए भी काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आयरलैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले रोना और एमा लेली ने अपने घर में पलने वाली एक बिल्ली के सामने तीन अनाथ बतख के बच्चों को लाकर रख दिया। शुरुआत में तो बिल्ली ने इन बतख के बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्ली इन बतख के बच्चों के साथ इतना घुल मिल गई कि अब ये इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पालती है। ये बच्चे अब ज्यादातर समय इस बिल्ली के साथ ही रहते हैं। डॉग नानी। ये तो आपको पता ही होगा कि जैक रसेल टेरियर नस्ल का कुत्ता काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कुत्ते काफी इमोशनल भी होते हैं? तो चलिए आपको नामीबिया में रहने वाले इस जैक रसेल टेरियर डॉग से मिलवाते हैं। दोस्तों नामीबिया में डॉग नानी नाम से फेमस ये कुत्ता कई अन्य जानवरों के बच्चों की बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करता है। जिन जानवर के बच्चों को ये कुत्ता अपना बच्चा समझता है उनमें लकड़बग्घा और टाइगर जैसे जानवर के बच्चे भी शामिल हैं। कैपिबारा और पिल्ले। कैपिबारा एक शाकाहारी जीव है। ये इस दुनिया में रहने वाले सबसे शांत और सभ्य जानवरों में से एक माने जाते हैं। ये जीव अन्य जीवों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। अब हम आपको एक ऐसे कैपिबारा के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम चीज केक है। चीज केक को बचपन में ही जानवरों के एक शेल्टर में छोड़ दिया गया था। ये इस शेल्टर में कुत्ते और अन्य जानवरों के साथ रहती थी। बाद में जब ये कैपिबारा थोड़ी बड़ी हुई तो अपने साथ रहने वाले दूसरे जानवरों का ये बहुत ख्याल रखने लगी। अब चीज केक को ये शेल्टर और यहाँ रहने वाले जानवर भी अपने परिवार की तरह लगते हैं। वो यहाँ पिल्लों को खाना खिलाती है और लगभग सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहती है। तो दोस्तों देखा आपने कि जानवर भी हम इंसानों की तरह ही बहुत इमोशनल होते हैं और वक्त पड़ने पर एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आ गया टाटा, बाय बाय।